के रूप में आज यहाँ उपस्थित हैं। उखर उद्बोधन पर हम आमंत्रित करथन माननीय राज्यपाल जी ला। जय जोहार सबो छत्तीसगढ़िया मल्ला राज्य स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई। राज्योत्सव 22वां एवं तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष मंचासीन अध्यक्ष के रूप में इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानित श्री भूपेश बघेल जी, माननीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन सम्मानित श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष सम्मानित श्री नारायण चंदेल जी, माननीय स्कूल मंत्री डॉक्टर प्रेम साहेब टेकाम जी, माननीय परिवहन मंत्री सम्मानित श्री मोहम्मद अकबर जी, माननीय वाणिज्य मंत्री श्री कवासी लखमा जी, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, माननीय महिला बाल विकास मंत्री सम्मानीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी, माननीय राजस्व मंत्री सम्मानीय श्री जय सिंह अग्रवाल जी, माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी, माननीय राज्यसभा सांसद बहन श्रीमती फूले देवी नेताम जी, माननीय संसदीय सचिव श्री द्वारिकाधीश यादव जी, विधायक सम्मानित श्री सत्यनारायण शर्मा जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल जी, अध्यक्ष महिला आयोग की बहन श्रीमती किरणमयी नायक जी, महापौर भाई श्री एजाज धेवर जी, मुख्य सचिव श्री अमित ताप जैन जी, डीजीपी श्री अशोक जुनेजा जी, मंचन सिंह, सभी सम्मानित अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित सांसद, विधायक, संसदीय सचिव, निगम मंडल, आयोग, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महापौर, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनिधिगण और आमंत्रित प्रदेश भर से आए हुए एवं विदेश से आए हुए सभी हमारे सम्मानी अतिथिगण, अलंकार समारोह में आज जिनको सम्मानित हुए हैं उन सभी आदरणीय विभूतियों को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज अलंकार समारोह 2022 में देश एवं विदेशों से छत्तीसगढ़ की माटी में पधारे लोक कलाकार मनला रायपुर में मैं हार्दिक स्वागत करत हूँ। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में मोजाबिक, टोगो, मंगोलिया, रूस, इंडोनेशिया, सार्बिया, न्यूजीलैंड, इजिप्ट और मालदीव देशों के कलाकार सहित 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेश के 1500 अधिक कलाकार शामिल हुए हैं। हमारे देश में अतिथि देवो भव की परंपरा है। मुझे विश्वास है कि यहाँ आए अतिथि छत्तीसगढ़ में अपने प्रवास का आनंद लेंगे और सुखद याद लेकर जाएंगे। इस अवसर पर मैं राज्य स्थापना दिवस के आप सभी को बधाई देती हूँ। इन आयोजन के दौरान अनेकता में एकता की अनोखी छटा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ लघु भारत उतर आया है। यह महोत्सव विभिन्न परंपराओं और संस्कृतियों का संगम है। इस सुंदर भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज उत्सव के आयोजन के लिए
मैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ की उनकी शासन की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राज स्थापना के इस दिन को हम अपने छत्तीसगढ़ होने का गौरव उत्सव के रूप मनाते हैं। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का विचार था कि प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से छोटे राज होने चाहिए ताकि प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त रहे। इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के विभाजन के साथ कुछ अन्य राज्यों का भी पुनर्गठन किया था। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का बनना लाखों प्रदेशवासियों के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय था। भौगोलिक दृष्टि से नागरिक सुविधाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ का निर्माण छत्तीसगढ़ वासियों के लिए लाभदायक साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ के सपने दृष्टाओं और छत्तीसगढ़ राज बनाने के लिए समर्पित प्रबुद्ध जनों की आकांक्षाओं को पूरा कर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जन भावनाओं को सम्मान दिया है। मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और राज्य निर्माण का सपने देखने वाले पुरखों और समस्त महापुरुषों को भी मैं नमन करती हूँ। जब हम राजस्व मनाते हैं तो यह प्रदेश पुनः नई उपलब्धियां हासिल कर और मजबूती के साथ खड़ा होता है और भागीदारी निभाता है। आज अलंकार समारोह के अवसर पर 33 विद्याओं में राज अलंकार पुरस्कार प्राप्त करने वालों को मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। वास्तव में यह पुरस्कार किसी विशेष क्षेत्र के लिए किए गए कार्य के प्रति सम्मान है। इससे उस व्यक्ति की उस क्षेत्र में एक महत्ता स्थापित होती है, मनोबल बढ़ता है, साथ ही समाज के अन्य लोगों को भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को 22 वर्ष हो गए हैं। छत्तीसगढ़ ने पिछले 22 वर्ष में हर क्षेत्र में प्रगति की है। छत्तीसगढ़ की सहज सरल शांतिप्रिय लोग प्रदेश की ताकत भी है और पहचान भी है। जिस प्रकार हम अपने जन्म दिवस पर कुछ बेहतर करने के लिए संकल्प लेते हैं, उसी प्रकार राज स्थापना दिवस के अवसर पर भी हम सबको संकल्प लेना चाहिए। विशेष रूप से युवाओं को अपने प्रदेश की विशेष पहचान बनाए रखने की दिशा में कार्य करने और प्रदेश को उन्नति की राह पर ले जाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। छत्तीसगढ़ सहित हमारे देश में आदिवासियों की संस्कृति बहुत ही समृद्ध रही है। आदिवासी समृद्ध संस्कृति के भाग होने के साथ ही प्रकृति के पूजक भी रहे हैं। उनकी जीवन शैली और प्रकृति के बीच एक गहरा सामंजस्य है। आदिवासी न्यूनतम आवश्यकताओं पर जीने वाले हैं। वास्तव में यह आदिवासियों की जीवन शैली का मूल मंत्र है। वे प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता होती है, क्योंकि वे धरती को अपनी माता मानते हैं। तथा कथित आधुनिक समाज को कई मायनों में उनसे सीखने की जरूरत है। भारत के अधिकांश प्रदेशों में आदिवासी निवास करते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न प्रदेशों में आदिवासियों के अलग अलग गीत एवं नृत्य है। आदिवासियों के अधिकांश लोक नृत्य प्रकृति पूजा, फसलों, उनके तीज त्योहारों और अनुष्ठानों पर आधारित होते हैं। नृत्य संगीत भारतीय जनजाति की संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह प्रकृति और संस्कृति के बीच एक सेतु का कार्य करता है। अपनी पसंद का नृत्य एवं गीत सुनकर थका हुआ व्यक्ति भी आनंदित होकर पुनः ताजा अनुभव करने लगता है। इसलिए जीवन में नृत्य एवं गीत का महत्वपूर्ण स्थान है। इस महोत्सव के जरिए मैं युवाओं से कहना चाहूंगी कि वे अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व करें और उसे संरक्षित कर भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करने
के लिए सतत प्रयास करें, अन्यथा वे विलुप्त हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यह वन संसाधन, खनिज संसाधन तथा प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त राज्य है। यहाँ विविध संस्कृति और परंपराएं विद्वान हैं। यहाँ की प्राकृतिक छटा मन को मोह लेती है। मैं बाहर से आए सभी कलाकारों से आग्रह करती हूँ कि यहाँ के पर्यटन स्थलों का अवश्य भ्रमण करें और छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति की विशेषताओं को जानें। छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति हुई है। प्रदेश में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में विस्तार हुआ है। अनेक राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान खुले हैं। शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है और लिंगानुपात बढ़ा है। प्रदेश में अनेक उद्योग धंधे खुले हैं और महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है और यहाँ की बेटियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। कृषि क्षेत्र में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। कृष्ण भक्ति का संदेश देने वाले संत वल्लभाचार्य की जन्म स्थली भी यही है। राजिम का त्रिवेणी संगम और शिवरी नारायण की महिमा भी अतुलनीय है। यह संत महात्माओं की भूमि है, ऋषि और कृषि संस्कृति की भूमि है। इन सभी की महिमा से छत्तीसगढ़ महतारी के ओज को विस्तार मिला है। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल से ही सभी धर्मों को पनपने का अवसर मिला है। सिरपुर में हिंदू मंदिर, जैन मंदिर, बौद्ध मठों का विद्वान होना इस बात का सबूत है। इसी प्रकार शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधर वीर गेंद सिंह की क्रांति गाथा आज भी छत्तीसगढ़ियों की ऊर्जा के स्थायी स्रोत है। यहाँ पंडवानी के रूप में पांडवों की कथा को गाए जाने वाली लोक गाथा की अद्भुत परंपरा भी विद्वान है, जिसमें महाभारत के प्रसंगों को विभिन्न रसों के मिश्रण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। भरथरी, लोरी, चंदा जैसे लोक गाथा हमें प्रेम का संदेश देते हैं। प्रकृति ने भी छत्तीसगढ़ को अनमोल उपहार दिए हैं। घने और समृद्ध वन तथा उच्च गुणवत्ता के खनिज भंडारों से समृद्ध किया है। मेरे छत्तीसगढ़ वासियों ने प्रकृति के साथ रहना सीखा है, जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबक है। प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावना व्याप्त है। बस्तर में चित्रकूट, तीरथगढ़, कनगेर घाटी की प्राकृतिक छटा अद्भुत है। बस्तर की बेलीडीला मेन पार्ट, प्रदेश की सर्वोच्च चोटी गोरलाटा तथा पाट प्रदेश हिल स्टेशन का एहसास कराती है। भगवान श्री राम के ननिहाल चंदखुरी में कौशल्या माता का मंदिर, शिवरी नारायण और रामगढ़ की पहाड़ियों हमारे स्वर्णिम अतीत के साक्षी हैं। सिरपुर करके बौद्ध स्थल और लक्ष्मण मंदिर हमारे पुरातात्विक वैभव को दर्शाते हैं। यहाँ की माटी में रची बसी संस्कृति लोक शिल्प के रूप में निखर कर सामने आती है। यहाँ के बेल मेटल डोकरा शिल्प की अद्भुत कलाकृतियों ने विश्व में छत्तीसगढ़ की पहचान बनाई है। यही नहीं, कोसा वस्त्र की मांग तो देश विदेश में है। राजोत्सव जैसे कार्यक्रमों से इन शिल्पकारों को एक मंच मिलता है। आवश्यकता है कि इन कलाकारों की बनाई कलाकृतियों को सही बाजार मिले, इसके लिए सब मिलकर निरंतर प्रयास करते रहें। छत्तीसगढ़ राज्य ने कम समय में ही उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। प्रदेश में सुलभ शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं। हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से सुदूर अंचलों के बसाहटों तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रही है। जनजाति आस्था के केंद्र देवगुड़ियों के कायाकल्प का प्रयास भी किया गया है। माझी, चालकी, सिराहा, गुनिया के मानदेय में बढ़ोतरी की पहल की गई है। हमें राजोत्सव के अवसर पर आत्मचिंतन भी करना चाहिए कि हम
किन क्षेत्रों में पीछे रह गए हैं और उन क्षेत्रों में हम कैसे प्रगति करें। मुझे विश्वास है कि हम अपने संसाधन का संतुलित और बेहतर उपयोग करते हुए देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल होंगे। मैं राज्य के सभी नागरिकों से यह भी कहना चाहती हूं कि वे इस राज्य के विकास के लिए अधिक से अधिक योगदान दें। मैं आशा करती हूं कि आप सभी का उत्साह और उमंग इसी तरह बना रहेगा और आप सभी के सपने अवश्य साकार होंगे। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। राज्य स्थापना दिवस की पुनः आप सबको शुभकामना देती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपका ये बहुत ही ऐतिहासिक प्रयास रहा है कि जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, इन 3 वर्षों में ये पूरे देश और दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल उत्सव आपके छत्तीसगढ़ में आपने कराया है। आपको कोटि कोटि बधाई, शुभकामना और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ के जय घोष के साथ माननीय राज्यपाल महोदया ने अपने सारगर्भित उद्बोधन का और आशीर्वचन का समापन किया है। वास्तव में आपके ये उद्गार छत्तीसगढ़ राज्य को विकास की दिशा में अग्रसर रहने के लिए कारगर साबित होंगे।